हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। तो आज हम डाडा मंडी साइड कहीं कोई मंदिर है तो उस साइड को हम घूमने के लिए जा रहे हैं। और अभी हम रास्ते में खड़े और कहीं ये पीछे जो बैकग्राउंड में जो फोटो दिख रहा होगा काफ़ी खूबसूरत लगता है। अभी बाकी लोग भी ये हैं हमारे साथ के, बाकी जो रास्ते का व्यू है वो आपको दिखाते रहेंगे, मैंने अभी इसमें कैमरे में कैप्चर नहीं किया है। तो दोस्तों ये व्यू कुछ इस तरीके से है, ये देखिए वहाँ अभी ये नदी है और नदी के किनारे यहाँ पे कुछ लोग नहा भी रहे हैं और नदी के किनारे ये कार वगैरह जो पार्किंग वगैरह है वहीं है, ये यहाँ से ये रास्ता जाता है। और ये देखो होटल का व्यू देखो कुछ इस तरीके से, पेड़ों के बीच में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। तो दोस्तों हम ये पाली गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ आगे मंदिर है। अभी रास्ता पता नहीं था हमको तो किसी भाई साहब से पूछा, तो अब ये वाला रास्ता है, यहाँ पे हमने गाड़ी वगैरह खड़ी कर दी है तो हम निकलेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग मुझे लग रहा है कि 200 मीटर के लगभग होगा। और ये जो पीछे व्यू आ रहा है वो काफ़ी गजब का आ रहा है, ये देखो कमल लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, ये राइडर है, नए राइडर, आवाज़ भी बेटर की है, थोड़ा जुकाम वगैरह लग रहा है शायद। और ये कुर्जी तो हमारे पहले फ़ोन में बिजी हो गए यहाँ भाभी के साथ शायद, और ये है फ़ोटो खिंचवाने में बिजी। तो दोस्तों चलो देखते हैं हम मंदिर कैसी है यहाँ। और कमल ने तो प्रसाद वगैरह पकड़ लिया, पहले नई स्कूटी ला रखी है तो इस खुशी में उसी खुशी में ये चाबी देखो मेरे पास, दो चाबी होगी, ये देखो गाइस एक ये है। चले जुकाम भी, तो ये रास्ता जाता है और एक ये रास्ता भी जाता है ऊपर, ये पता नहीं कहाँ जाता है, हम तो इस रास्ते से हैं नीचे वाले रास्ते से। दोस्तों यहाँ से नीचे तक जो ऑफ रोडिंग हुई है गजब की हो रखी है, गजब की हुई नीचे से ऊपर के लिए ऑफ रोडिंग। तो बस ऑफ रोडिंग में कैसे लगा? फुल मजा आ रहा था। अरे इधर से कहाँ था ना रास्ते, गाइस रास्ता भूल गए हम, रास्ता पता नहीं है हमको। आंटी प्रणाम, यकम कोई मंदिर से कखम छु है? अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हम उन बात जरा मंदिर दर्शन केरी का नौकन च। हाँ जी हाँ जी, काटेल घास। अच्छा अच्छा, वो यहाँ पे आंटी लोगों ने रास्ता भी बता दिया, हम घर वाले में बॉडी बॉडी चाची लोगों ने रास्ता बताया, वो अपन उन दामदे शर्म है। ये जो पीछे व्यू आ रहा है वो गजब का लग रहा है, गजब का। ये पालपुरी गोरख गुरजी पाल, ये देखो साइड में, या कौन हम बोलो पालू, कमल हिंदी में क्या बोलते, सुधी हिंदी में है पाली बोलते, ओस ओस गाइस ओस ओस पड़ रखी है यहाँ, अभी सूखा नहीं है, जहाँ पे धूप लग रखी है वहाँ पे तो सूख गया है। ये देखिए कीर्तन मंडली वाला जन्म ले गई चिमटा क्या मचे गाइस, कीर्तन मंडली वाले लग रहे हैं ना ये पीछे, ढुलकी भी रखी है इन्होंने, क्या रास्ता है कुछ इस तरह। हाँ ये कम तक आ जाए ना, मंदिर बहुत तगड़ी था। ये एक सामान तो सब बेरी बैठे है ना, बढ़िया तो पिंडो ला पत्थर डालम भी होना भैया भी होते हमारे हमारे एक तो भैया नहीं होना चाहिए, एक तो डालम भी होना चाहिए डालो मून बुने घर पुण्य जी तो ये यहाँ पे विश्राम घर है शायद, थोड़ा बहुत बना रखा है ये, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बढ़िया बना रखा वैसे, तो विश्राम घर है ये, यहाँ पे बैठ रखे हैं ये लोग। और ये सामने मंदिर है जो की काफी गजब की लग रही है, इसमें सारा मटेरियल जो भी आ रखा है वो बाहर से आ रखा है, तो वैसे ज़्यादा जानकारी है नहीं, अगर कई लोग कुछ बता पाएँ तो उनसे पूछेंगे।
तकुन तो मैजिक मूवमेंट ऑफ बोतल है ना। अच्छा ये तो तभी तो देख लिया मैंने चोरी पकड़ा था आप। अच्छा अच्छा बोतल पिया ली एक बोतल रही। अच्छा अच्छा ये जो पत्थर वगैरह की युग बड़े हैं ये का राजस्थान राजस्थान बटे बहुत बढ़िया बनी देखा कई बड़े ही थे। अच्छा कई बड़े ना कुछ पहली बटे ये मंदिर छे था ना 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 पहली बार बड़े। अच्छा पहली बार मतलब इन ये जगह देखे को पंडित जी मतलब के हिसाब से बनाएंगे। हां इन हिसाब से ये मोहम्मद पंगो जमीन लिया हूं ना। अच्छा अच्छा ये सब जमीन ली होंगे। अच्छा मतलब ये दो तीन गांव मिला के इनकी ये कम ही बनवा दला सेंटर में है ना। हाँ तो बड़ा थी एक ही मोहन छा ना। हाँ जी हाँ जी चल बढ़ती क्या मेरे वीडियो बाकी देख लो गाइस इतना बढ़िया डायलॉग कहाँ मिल रहा है सुनने को। यह बॉडी तुम तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे लग रहा था ये तो ये तो हमारे गांव में पहना हुआ है ये देखिए शर्मा और क्या शर्मा को जाओ ये से ये से तो पता चला हम पा रहे थे गांव के से पानी पुणी सब व्यवस्था करी जमर पगाड़ी जिकेर दे हमने वो बना खड़ी इना रास्ता पता नहीं था ना। तो दोस्तों जब मंदिर के अंदर जाता हूँ यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं उन्होंने कहा यहाँ चोरी वगैरह भी हो चुकी है दो तीन बार तो वैसे ये बहुत गलत बात है। तो ये देखिए दोस्तों हम मंदिर के अंदर ये प्रस्थान कर चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये चीज़ जो ये जगह जो लग रही है ये काफ़ी गजब की लग रही है और ये सारा पत्थर वो जैसे आंटी जी बता रहे थे ताई लोग वैसे बोलते हैं हम गढ़वाली में भी ताई लोग बता रहे थे कि सारा पत्थर राजस्थान से आ रखा है तो आप लोग भी आ सकते हैं। बादलों के ओढ़ने वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो हमारे द्वारा यहाँ पे दिया वगैरह तो हो चुका है और अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। तो दोस्तों पालिकेश्वर महादेव मंदिर के ये गेट में बैठ रखे हम बैठे तो फोटो खिंचवाने के लिए थे पर हम वीडियो बना रहे हैं। चलो दोस्तों निकलते हैं हम यहाँ से मंदिर की ओर से। हाँ भाई कीर्तन मंडल में लो भाई ये देखो दो सवारी आगे जा रही बाकी पीछे। तो दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लूटूथ जो स्पीकर है उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ थोड़ा बहुत डांस वगैरह चल रहा है तो आप लोग भी देखिए। तो दोस्तों हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं और इसके बाद हम खेलने के लिए जा रहे हैं तो अब क्या पता ब्लॉग बनता कि नहीं बनता। तब तक के लिए राम राम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।